और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा गया, कौन सा मंथ मुझे चल रहा है। काल वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गुड इवनिंग। इवनिंग तो नहीं, नाइट हो चुकी है, 8:30 बज चुके हैं और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा गया, क्योंकि आप लोग काफी कंफ्यूज हो, बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हो कि मैं अपना मंथ आप लोगों के साथ डिस्क्लोज करूं कि कौन सा मंथ मुझे चल रहा है। बट मंथ डिस्क्लोज करने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मेरा बीता है, माई फर्स्ट 3 मंथ्स जो मेरे गए हैं, वो कैसे गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस 3 महीने का बॉम्बे में कैसा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो बस वेट कर रही थी कि यार कब वीडियो बनाऊँ। एक तो वीडियो बनाने में आलस बहुत आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, जो आप अगर इतना फ्रिक्वेंटली मुझसे जानना चाहते हो, फ्रिक्वेंटली आप इतने क्वेश्चंस कर रहे हो मुझसे रिगार्डिंग माय प्रेगनेंसी, अगर मैंने टाइम पर आपको नहीं आंसर किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग भी पूछना बंद कर दोगे, जो मैं नहीं चाहती। आप लोग कमेंट्स करते रहो, कमेंट्स आते हो तो अच्छा लगता है पढ़ते हुए। सो मैंने आज अपना मन बनाया, आज जस्ट हैड शार शार लेके थोड़ा बैठी हूँ, थोड़ा सा डिनर भी कर लिया। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ गप्पे मारूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो मेरा मंथ है वो मैं डिस्क्लोज करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा मंथ मुझे चल रहा है। तब तक आप लोग गेस करिए कि कौन सा मंथ मुझे चल रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताना। सो लेट्स सी कितने लोगों का सही यू नो आंसर आता है। सो शुरू करते हैं जी, माई फर्स्ट 3 मंथ्स कैसे गए हैं। तो आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बता दिया था कि जब पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट तो हमारा क्या एक्सपीरियंस था, मतलब हमारा क्या रिएक्शन था, अभी का क्या रिएक्शन था। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो मेरे जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे, इनिशियली 6 वीक तक तो हमको नहीं पता चला, मतलब मुझे नहीं पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 6 वीक के बाद मैंने चेक किया, 6th या 5th वीक था आई थिंक, वो 5th वीक था आई थिंक, मैंने चेक किया तो वो पॉजिटिव आया। देन अभी ने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर चेक करना, क्योंकि कई बार होता है वो है ना सही नहीं आता है, कई बार आपको गलत भी दिखाता है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी 3 बार 1 हफ्ते में चेक की, तब जाके हमको हुआ कि नहीं यार अब प्रेगनेंट हूँ मैं। सो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। सो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप 6 वीक प्रेग्नेंट हो, और उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप 6 वीक का जो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो करवा लीजिए। तो हम उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने गए। अल्ट्रासाउंड में अभी बेबी की जो हार्ट बीट थी वो आई थी, तो डॉक्टर ने कहा आप थोड़ा सा जल्दी आ गए हो, आप ना ऐसा करो, हार्ट बीट तो आई गई है, वैसे आपको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। यूजुअली 6 वीक जब खत्म होता है तब अच्छे से हार्ट बीट सुनाई देती है, बट मेरा आई थिंक इनिशियल 6 वीक था, आई थिंक 1 या 2 दिन ही हुए होंगे, तो हल्की हल्की सुनाई दे रही थी बट बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि वो आ जाएगी, हार्ट बीट तो अभी आ ही रही है बेबी की। तो वो स्कैन हो गया और उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके। तो उन्होंने मुझे पहले तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप ये जो 3 महीने आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बट उस टाइम पे हमको पंजाब जाना था दिवाली पे। सो हमने कहा कि अगर मतलब कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट है कि मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती तो मैं नहीं जाऊंगी, बट अगर कुछ रिस्क नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ या नहीं, ये मैंने डॉक्टर से एक्चुअली पूछा था। सो डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको है कि आपको जाना है, इमरजेंसी है कि आपको जाना ही जाना है, बट आपको जाना है तो आप सिर्फ फ्लाइट से जाना, आप ट्रेन से नहीं जा सकते, आप बाय रोड नहीं जा सकते। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो हमने फ्लाइट पकड़ी। दिवाली के टाइम पे हम लोग फिर गए थे पंजाब। तो मेरा मतलब आधा ट्राइमेस्टर पंजाब में था, आधा मेरा बॉम्बे में था। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, क्योंकि होता ना कि जैसे थे वैसे ही हैं,
टमी भी कोई बाहर नहीं आया, टमी भी अंदर ही था। और फर्स्ट मंथ में मेरे को थोड़ा थोड़ा लाइक मॉर्निंग सिकनेस होती थी, नौजिया होता था, वॉमिटिंग आती थी मेरे को, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी फूड से या किसी यू नो स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है। या कई मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी भाभी हैं, जिनको यू नो ऑयल की स्मेल से भी वॉमिट आ जाती थी, फूड की स्मेल से भी वॉमिट आ जाती थी, मसालों की स्मेल से भी वॉमिट आ जाती थी, बट मेरा ऐसा नहीं था। मेरे को आई थिंक टचवुड बाय गॉड ग्रेस फर्स्ट मंथ में ही मेरे को वॉमिट आती थी या मेरे को थोड़ा सर दर्द फील होता था, उसके बाद नहीं हुआ। तो मेरा तो अच्छा गया, 3 मंथ्स का जो टाइम था मेरा अच्छा गया। बट हाँ, सबने मुझे ये ज़रूर कहा था कि भारी चीज़ें नहीं उठाना, है ना, और एक्सरसाइज के लिए भी मना ही किया था, यही कहा था कि कोशिश करो जितनी रेस्ट हो सके, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपको पूरी प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत होती है। तो मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर थे, मम्मी वगैरह या शमी मामी, पप्पी बुआ, सब लोग ने यही कहा था कि जितनी हो सके यू नो रेस्ट करो और फ्रूट्स खाओ, अच्छा खाना खाओ, खुश रहो। तो वो सब कुछ तो चल ही रहा था। बट मेरा जो सेकेंड मंथ जब मुझे चालू हुआ, मेरा जो नौजिया था वो कम हो गया था। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी ना, तो आप सबको पता है मेरे व्लॉग के थ्रू कि हफ्ते में एक व्लॉग तो मेरा बीमार का आता ही था। मैं बहुत बीमार रहती थी और सबको ये डर था कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मेरी क्या हालत होने वाली है। मतलब इतनी वॉमिटिंग अगर मैं प्रेगनेंसी से पहले कर रही हूँ, तो प्रेगनेंसी में तो सब लोग वॉमिट करते हैं, सबके साथ यू नो होता ही है कि किसी को वॉमिटिंग का इशू होता है, किसी को सर दर्द का इशू होता है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरी मम्मा और चैरी वगैरह तो फुल टेंशन में थे कि भाभी आपका तो क्या ही होगा, मतलब अगर आप अब इतनी आपकी तबीयत खराब रहती है, आपका कोई भी खाना आपसे पचता नहीं है, आप जब भी बाहर से खाते हो या कुछ भी खाते हो आप वॉमिट कर देते हो, तो प्रेगनेंसी में तो आपका बहुत दिक्कत आने वाली है। बट बाबा जी दी मेहर, थैंक यू सो मच। मेरा फर्स्ट 3 जो मंथ गए हैं, पहले मंथ में ज़रूर हुआ था, पर इतना नहीं हुआ जितना मैं कहूँगी कि मेरी जो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर, जो मेरी यू नो मदर बनी है रिसेंटली, उनके साथ हुआ था, उतना नहीं हुआ मुझे। सेकेंड मंथ से मेरा कम होना शुरू हो गया, मेरे को मॉर्निंग सिकनेस बंद ही हो गई थी, सर दर्द भी नहीं होता था। मतलब मेरा फर्स्ट 3 मंथ्स मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे गए हैं, टचवुड। अभी बहुत यू नो हेल्पिंग नेचर के हैं, वैसे ही पहले भी हेल्प करते थे, बट अब तो ऐसा ही है कि वो ये ना कि सास नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो मेरी सास ने रोल प्ले करना था इस टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो सारा अभी कर रहे हैं। मतलब मना नहीं करते यार, अगर मैं भी कभी भी कह दूँ अभी यार प्लीज ये ला दो, अभी वो ला दो, कई लोग होते हैं ना कि इरिटेट हो जाते हैं यार, गुस्सा आता है कि यार मतलब क्या है, थोड़ा बहुत तो खुद कर लो, थोड़ा बहुत तो कुछ कर लो। वो कभी भी ना नहीं करते, वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। टचवुड, अभी कोई पता भी नहीं है, पर सुनेंगे तो वो कहेंगे ज़्यादा ही तारीफ हो गई है। एनीवेज, सो मेरा जब हाँ, तो मैं पंजाब चली गई थी। सो पंजाब में आई थिंक 1.5 महीने बाद गई हूँ, मतलब जब मेरा 1.5 महीना पूरा हो गया था उसके बाद पंजाब गई थी। सो बबू चाचा का तो बता दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक क्लोज मेंबर जो घर पे है, बबू चाचा को हमने यहाँ नहीं बताया था, बबू चाचा को हमने बताया था जब हम लोग पंजाब गए थे, क्योंकि मुझे उनके एक्सप्रेशन देखने थे कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे जब हम बताएंगे कि ऐसा सा हो रहा है। सो मतलब मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती, उनके एक्सप्रेशन अलग ही थे जो मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। अभी मैं इमेजिन ही कर रही हूँ कि क्या उन्होंने फील किया था। सो उनको बताया वहाँ जाके कि ऐसा है। सो ऑब्वियसली वो हमारे घर के सबसे बड़े हैं और कोई नहीं है, तो उनकी खुशी तो अलग लेवल पे थी। तो फिर वही जो मम्मा, अगर मम्मा होती या मतलब मेरी मदर इन लॉ या मेरे फादर इन लॉ होते, वो भी वही सजेस्ट करे जो बब्बा चाचा ने सजेस्ट किया कि भैया ध्यान रखो अपना, बाहर का मत खाओ, घर का खाओ, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हो सके थोड़ी बहुत वॉक भी कर लो, तो मैं थोड़ी बहुत वॉक कर लेती थी जब मुझे लगता था कि हाँ करनी चाहिए। पर पता नहीं क्यों फर्स्ट 3 मंथ्स में तो मुझे सुस्ती बहुत आई यार। अभी तो मैं फिर भी कहूंगी सुस्ती है, बट स्टिल आई एम एक्टिव। मैं एवरी डे 45 मिनट से लेके 1.5 घंटा वॉक
करती हूँ, मतलब मेरे 2.5 से 3 किलोमीटर एवरी डे अभी हैं, बट वो जो टाइम था फर्स्ट 3 मंथ्स का, उसमें मुझे बेड से उठने का भी मन नहीं करता था। ऐसा होता था बस लेटी रहो, मुझे कोई ना उठाए, बस मुझे बेड पे बैठे बैठे सारा कुछ मिलता रहे। पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत तो एक्टिविटी रखनी ही चाहिए, चाहे आपकी फर्स्ट 3 मंथ्स हो। हाँ, अगर आप डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया कि आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते या आप नहीं वॉक कर सकते, तो वो अलग बात है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्टली कहा था, बट उन्होंने कहा था ट्राई नॉट टू डू एक्सरसाइज, मतलब हैवी एक्सरसाइज या जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बताई जाती है, आप फर्स्ट 3 मंथ्स रेस्ट करो। तो मेरा रेस्ट ही चल रहा था, फुल ऑन रेस्ट वाला चल रहा था पीरियड। चलो वहां पर मेरा जब 3rd मंथ भी चालू गया, तो मैं पटियाला में ही थी। सो 3rd मंथ में जो यहाँ की डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आपका जो फर्स्ट 3 मंथ्स का स्कैन होगा ना, वो आप पंजाब से करा लेना, मुझे रिपोर्ट्स भेज देना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बॉम्बे में तो हूँ नहीं, तो मैं पंजाब में थी, मैं वहीं पर स्कैन करके मुझे इनको भेजना था। सो हॉस्पिटल जो मैंने चूज किया था वो था Cloud 9, क्योंकि मेरी जो भुआ जी हैं पटियाला वाली, उनकी जो बहू हैं, उनकी डिलीवरी भी वहीं पर हुई थी। चेरी की फ्रेंड्स है काफ़ी सारी, उनकी डिलीवरी वहां पर हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया था कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा बताया था, तो मैं वहीं पर गई थी। सो मैं जब वहां पर पहुंची चेक कराने, तो सारा कुछ हुआ, उन्होंने स्कैन किया, बट फिर उन्होंने स्कैन अभी शुरू किया ही था, फिर उन्होंने एकदम से बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई बेबी अभी बहुत छोटा है, सो अभी स्कैन तो नहीं बनता, आपको 11th वीक चल रहा है, आप 13th वीक जब कंप्लीट हो जाएंगे आप तब आना। तो फिर बट बेस्ट पार्ट मुझे Cloud 9 की ये लगी जो चंडीगढ़ में है, कि उन्होंने अननेसेसरी ना स्कैन करके पैसे नहीं बनाए हैं। मतलब कई होते हैं ना कि भैया आप ही आए हो ना अभी 11th वीक में, हमने तो आपको कहा नहीं था 11th वीक में आने के लिए, अभी स्कैन तो हो गया है हमारा, चाहे थोड़ा ही किया हो, पर उनके लिए होता है कि कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पर उन्होंने कहा है कि स्कैन मैं नहीं करूंगी, और आज जो आपके स्कैन के पैसे लगने हैं वो आपको नेक्स्ट उसमें कवर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज स्कैन तो हुआ नहीं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, प्राइवेट हॉस्पिटल है, नहीं तो आजकल क्या है ना, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको बस मौका चाहिए पैसा बनाने के लिए, बट इनका ऐसा नहीं था। जो अभी को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत जेन्यून लगा। तो उन्होंने उस दिन स्कैन नहीं किया, उन्होंने मुझे 13th वीक के बाद दोबारा बुलाया। तब हाँ, उन्होंने मुझसे डबल मार्कर का ज़रूर उन्होंने मुझसे ले लिया था सैंपल, कि आपका डबल मार्कर हो जाएगा, वो करके चले जाओ, बट जो स्कैन होगा वो आपका 13th वीक के बाद होगा। तो डबल मार्कर का जो टेस्ट था वो मैं देख के आ गई थी, मेरा टिटनेस का इंजेक्शन भी लग गया था, और फिर हम लोग गए थे 13th वीक के बाद, क्योंकि मुझे था कि जब हमने हॉस्पिटल ही चंडीगढ़ चूज किया है तो मैं ये स्कैन यहीं पर करा के जाऊंगी, क्योंकि वापस भी मुझे यहीं पर आना है डिलीवरी कराने के लिए, तो यहाँ पर एक हमको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो 13वें हफ्ते जब हम गए थे, तो उन्होंने प्रॉपरली स्कैन वगैरह सारा कर दिया, सब कुछ ठीक आया, सब कुछ बहुत अच्छा आया, और स्कैन भी बहुत अच्छे से हो गया। बट फिर डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी डिलीवरी करो, तो 7th मंथ जो आपको शुरू होगा, तो आप यहाँ पर आ जाना, क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल के आसपास रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप ना ही पटियाला रह सकते हो, ना ही रायकोट रह सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, काफ़ी डिस्टेंस है हॉस्पिटल से उनका, तो वहाँ आप नहीं रह सकते, तो आप आसपास ही रहना। तो अभी मैं जाऊँगी जो मेरा 7th मंथ चालू होगा। अभी भी अगर मैं बॉम्बे में हूँ, तो बेस्ट पार्ट है कि मेरी जो डॉक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल है, मतलब आप कभी भी उनको कॉल कर लो या कभी भी उनको टेक्स्ट कर लो, वो तुरंत रिप्लाई देती हैं। अगर कभी भी मुझे मेडिसिन से रिगार्डिंग कुछ पूछना हो या स्कैन से रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, तो एकदम से वो रिवर्ट करती हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि एटलीस्ट कभी भी इमरजेंसी हो या कुछ हो तो आप पूछ सकते हो। तो यही थे यार 3 मंथ्स मेरे, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे गए हैं, मुझे बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो क्या ही होगा, बस इतना पता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट ऐसा कुछ फील अंदर से नहीं होता था, क्योंकि कुछ चेंज नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं बॉडी में, वेट पुट ऑन होना चालू हो गया, बट हाँ मेरा फर्स्ट 3 मंथ्स में ना वेट जो है वो रिड्यूस हुआ है, पुट ऑन ही मैंने किया था, मेरा जो वेट है आफ्टर 3 मंथ्स बढ़ना चालू हुआ है।
फर्स्ट 3 मंथ तो अगर मेरा मैंने फर्स्ट डे जब मुझे पता चला, मतलब 6 वीक में जब पता चला था, तब मेरा वेट कुछ था 62। बट जब मैं दोबारा उनके पास गई थी, दोबारा अपना वेट चेकअप और ब्लड टेस्ट कराने गई थी, तब मेरा वेट आया था 58। मतलब मैंने उस टाइम पे वेट रिड्यूस किया था और मेरा वेट गेन प्रॉपरली, जो कहते हैं ना कि वजन बढ़ना चालू हो जाता है, वो 4th महीने से चालू हुआ। यही था मेरा 3 मंथ्स की जर्नी जो काफ़ी हैपनिंग थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और अभी तक बहुत अच्छे से हो रहा है, और आई विश कि आगे भी बहुत अच्छे से हो। और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं हैं, आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग है, आप लोग इतना प्यार करते हो, आप कॉमेंट्स करते हो, ऑब्वियसली आप फैमिली बन चुके हो, तो मुझे भी होता है कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट हाँ, कुछ चीज़ें बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। आई थिंक जब मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए वो आपके साथ, तो मैं शेयर करती हूँ, बट करती ज़रूर हूँ, चाहे थोड़ा लेट आए, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। सो बस ऐसे ही प्यार जो है आप लोग जो दे रहे हो, और ऐसे ही देते रहो, इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हो, इतनी सारी प्रेयर्स दे रहे हो, वो आप ऐसे ही देती रहो। और जितना मुझसे होगा कि मैं अगर कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, तो वो मैं शेयर करूँगी। अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ चीज़ें शेयर करने से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है, या आपको लगता है वो हेल्पफुल है, तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड कि मैं भी किसी के काम आ रही हूँ, मेरी चीज़ें भी किसी को हेल्प कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों की चीज़ें मुझे सच में बहुत हेल्प करती हैं। जब आप कमेंट में सजेशंस लिखते हो ना, कि जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं किससे पूछूँ, किससे क्या करूँ, क्योंकि मम्मी लोग भी, अगर मम्मी से ही पूछते तो मम्मी कहते हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, हमने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया। तो वो अपनी चीज़ें बताती हैं जो आज के ज़माने से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन कोई रहता नहीं है, फिर आप लोग ही हो जिनसे मैं पूछ सकती हूँ, तो फिर मैं बिंदास आप लोगों से खुला होकर पूछती हूँ कि भाई मुझे बताओ, अभी मैं इस सिचुएशन में अटकी हुई हूँ, तो इसका सोल्यूशन आपको आप दो। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतनी सजेशन्स आप देते हो, तो कई चीज़ें तो बहुत यूज़फुल होती है मेरे लिए। तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग अभी तक मेरी जर्नी से जुड़े हुए हो, और आई होप आगे तक भी जुड़े रहोगे। बस थैंक यू। सो यही था गाइज मेरा 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस, मेरा 3 मंथ्स का प्रेगनेंसी जर्नी, माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और आगे का जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेट करूँ या जल्दी करूँ, पर करूँगी ज़रूर। ऐसा तो नहीं सकता कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ। 2 साल हो चुके हैं राइट फ्रॉम माय मैरिज टिल नाउ, आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विद यू। सो आगे भी शेयर करूँगी, चीज़ें थोड़ी लेट आएंगी, तो आप समझदार ही हो यार, आप बुरा भी नहीं मानते हो, आप खुद ही कहते हो कि यार वी कैन अंडरस्टैंड। सो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी अभी फैमिली बन चुकी हैं, वो इतने समझदार हैं, तो उसके लिए थैंक यू। सो ये है मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, और आगे जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये जो ब्लॉग है अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।